18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। इसी के साथ आज और मंगलवार को नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। पहले सत्र में सरकार की प्राथमिकता नई लोकसभा स्पीकर का चुनाव, सदस्यों के शपथ ग्रहण से लेकर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए संयुक्त अभिभाषण और उस पर धन्यवाद चर्चा प्रस्ताव होना है। बता दें कि बीजेपी के ओडिशा से आने वाले सीनियर नेता एवं लगातार 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। इस पर विपक्ष ने आपत्ति भी जताई है। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश के दावे भी अनदेखी की है, जो 8 बार के सांसद है। संसद के दोनों सदनों में टकराव की संभावना भी है। इसकी शुरुआत प्रोटेम स्पीकर पर नियुक्ति के साथ ही हो गई है। विपक्ष के आरोपों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि महताब लगातार 7 बार के लोकसभा सदस्य हैं, जिसके चलते वह इस पद के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि सुरेश 1998 और 2004 में सदस्य नहीं थे, जिस कारण उनका मौजूदा कार्यकाल निचले सदन में लगातार चौथा है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को राष्ट्रपति भवन में महताब को लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिला चुकी है। इसके बाद महताब संसद भवन पहुंचेंगे और सुबह लोकसभा की कार्रवाई शुरू करेंगे। वहीं प्रोटेम स्पीकर नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति ने लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने में महताब की सहायता के लिए कोडी कुन्नील, सुरेश कांग्रेस, टीआर बालू डीएमके, राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह पुलस्ते बीजेपी और सुदीप बांदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस को नियुक्त किया है।